पढ़ना है, पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे के 8 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी, होता है ऐसा, सबके साथ होता है, उसके लिए क्या करें? देखो इट्स एब्सोल्युटली सिंपल, आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल होगे, कितने फेल होगे, वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसेस के बेस पे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, एकदम से कुछ बड़ा होने लग जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, छोटी छोटी जो लाइफ में चॉइसेस आ रही है ना, दिन में हजारों चॉइसेस आती हैं, कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पे खड़े उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और खुद की नजरों में आप कब उठोगे, जब आपको ये पता होगा कि चाहे मैं कम डिसीजंस लेता हूं में 1000 डिसीजन नहीं लेने, आपको कम लो, एक लो, छोटे से छोटा लो। अगर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, उस कमिटमेंट को पूरा करना, उसे छोड़ा नहीं। सोचो अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को कैसे पूरे करोगे, तो आपके बात की क्या वैल्यू रह जाएगी खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं। बैंग ऑन, यू नो व्हाट, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक दिन में अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं और जिंदगी में एक भी पूरा नहीं करते, उसके एंड तक नहीं जाते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। फिर चाहे दर्द हो रहा है, चाहे मजा आ रहा है, चाहे सक्सेस मिल रहा है, चाहे फेलियर है, चाहे फेलियर है, लगे रहो, चलते रहो, छोड़ना नहीं, जो सही लग रहा है वो करते रहो। एक अंदर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, पता है कि यार अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे दर्द होगा, बोरिंग है, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट किया है ना तो पूरा करना है। पढ़ना है, कमिटमेंट किया है, 8 घंटे पढ़ाई का कमिटमेंट नहीं करना, चलो 1 घंटे का करना है, लेकिन 1 घंटे हर हालत में पढ़ना है। धीरे धीरे वो 1 घंटा बढ़ गया, अपने आप 2 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। तो छोटे कमिटमेंट्स करो, उन छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, बजाय बड़े गोल सेट करने के। तो धीरे धीरे छोटे अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता भी नहीं। तो लाइफ में जब भी कोई ऐसी आपको सिचुएशंस मिले, कुछ भी ऐसा करने का मिले जहां पे आपका मन भी कर रहा है उस काम को करने का और बुद्धि भी कह रही है कर दो, तो उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं। अब उसको कैसे पकड़ के रखोगे, वो तो छूटेगा, याद रखना इस बात को, वो छूटेगा, जो भी आप करने वाले हो वो छूटेगा। कुछ दिन का जोश रहेगा, उसके बाद में जोश ठंडा हो जाएगा, तो जोश बना कैसे रहे, वो एक्साइटमेंट बना कैसे रहे, उसके बारे में इतना पढ़ो, इतना समझो जिसकी कोई हद नहीं। ये हम नहीं करते, जिस वजह से हम अटक जाते हैं। देखो अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। ये नहीं कि मैं ठीक है मैं करूंगा 2 दिन बाद करूंगा 4 दिन बाद करूंगा, अभी जल्दी क्या है, आप समझ रहे हैं। तो क्या होगा, बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से अपने आप उसी जोन में चले जाओगे जिस जोन में आप पिछले बहुत सालों से चल रहे हैं। खेल खत्म। उस वक्त करना क्या चाहिए, मैं क्या करता हूं, जब भी ये डेडली कॉम्बिनेशन आकर के मिलता है मन और बुद्धि का, इमीडिएट मैसिव एक्शन लेना शुरू कर देता, मतलब हर तरफ से बॉम्बार्डिंग कर दी। आप समझ गए ना कि फिर तो घेर लो, उल्टे सीधे जो हमारे डिजायर्स हैं उसको घेर लो, उसको अच्छे डिजायर्स। कैसे होगा ये कि जैसे ही कोई बात सुनी मेरी, आपने कहा यार एक डाइट की बात हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं भी समझता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किस हीरो का किस हीरोइन के साथ ब्रेकअप हुआ आपकी लाइफ में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता,
है कि नहीं, ये सारी खबर है हमारे पास में, और हल्का सा हिंट भी आ जाए ना कहीं व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए, अबे तेरी इसका ब्रेक, ये फिर मिल गए होता है ना कि सारा इंटरेस्ट यही है, ये हमारा मन है जो हमको फंसा रहा है। मतलब मन कहां भाग रहा है, बाहर भाग, जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहा, फालतू के कामों में लगा हुआ, उल्टे सीधे कामों। तो उस वक्त क्या करना है, जैसे ही कोई काम समझ आए इमीडिएट मैसिव एक्शन, और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। इमीडिएटली ऑनलाइन गए और कुछ बुक्स ऑर्डर कर दिए डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, इमीडिएटली। मतलब कल के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि कल तक छोड़ा तो गया, काम हो गया फिर तो। इमीडिएटली ऑर्डर कर, इमीडिएटली उसी टाइम कुछ पढ़ना शुरू किया कि क्या डाइट बैलेंसिंग की बात हो रही है, क्या मैं भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस रख सकता हूँ, क्योंकि अगर आपकी बॉडी बैलेंस हो गई तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बैलेंस होता चला जाएगा काफी हद तक, और बॉडी में इम्बैलेंसेस होंगे तो माइंड को कैसे बैलेंस रखोगे, माइंड तो बार बार वहां जाएगा, है कि नहीं। सिंपल है ना, कि क्या मैं अपनी बॉडी को अंदर से हेल्दी कर सकती हूँ, हेल्दी कर सकता हूँ, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा हुई और उसके ऊपर मैसिव एक्शन आपने लेने शुरू कर दिया, जिस हद तक आप ले सकते हो उस हद तक। इमीडिएटली प्लान्स बना दिए, क्या मुझे कल से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्लान बना के छोड़ दिया तो एक दो दिन गए फिर छूट गया, मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हैं कि ये करना है, करना है, करना है, उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दिया, मतलब पूरे पागलपन से उस काम को किया। अब वो आपकी आदत में उतर सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो गारंटेड है कुछ नहीं उतरेगा आपकी आदत। आपकी जैसी आदतें थी उसके हिसाब से चलते चले, जैसे ही अंदर से इंस्पिरेशन मिले कोई भी सही काम करने की, इमीडिएटली कर दो। नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा, वही होगे जहां पर आज 20 साल हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, आते नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे रहोगे। अब सवाल ये आता है, आप करते क्यों नहीं हो, कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पास में मैंने कई बार कुछ चीजें करी और मैं नहीं कर पाया, मैंने इतनी बार ट्राई किया मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है मैं इस पर टिक नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगी। बोलना क्या चाहिए अपने आप को, नंबर एक कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं, नंबर दो कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं फेल होंगी। ये बोले मत कि मैं फेल नहीं होंगी, जहां पे ट्रैप है इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप रियलिटी से कट गए। आपको क्या लगता है, अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूं तो क्या मैं फेल ही नहीं होता हूं, कुछ करने का सोचा और उसमें मैं आउट ऑफ ट्रैक गया, फेल हुआ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता अपने माइंड को कि मुझे ये करना है और मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मानो आप तो अपने शेड्यूल पे पक्के हो, एकदम से घर में किसी की डेथ हो तो क्या होगा, कुछ दिन के लिए 15-20 दिन के लिए शेड्यूल से आउट हो गए, अब वापस से शेड्यूल पे आना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत एक गलत वर्ड है, विल पावर चाहिएगी। मेहनत मतलब ये कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है, मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे, लाइफ में अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे, वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है, बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है कि नहीं, रियलिटी है ना, इस लाइफ ने उधेड़ के रख दिया है चारों तरफ से। तो बड़ा सिंपल है, अपने आप को बोलना है मुझे दुनिया का नहीं पता लेकिन मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकती हूं, तो नहीं कि कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ठानती नहीं, समझ गया ना, ये भी अपने आप को सच बोलना है, मुझे पता है कि मैं कर सकती हूं। उस वक्त क्या करना है, अपने कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स होंगे आपकी लाइफ के, वो अपने आप को याद दिलाओ, कुछ ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसा आप करते होंगे जो और लोग नहीं कर सकते,
हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप गाने में बहुत अच्छे हो, सकता है आप डांस में बहुत अच्छे हो, सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, कहीं ना कहीं तो होगे, हो सकता है आप बहुत समझदार हो, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पेरेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर देते हो सकता है, होता है ना, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को उस वक्त याद दिलाओ कि अगर मैं वो कर सकती हूं तो वो कर सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, है कि नहीं, मैं करूंगा, मैं बार बार फेल होऊंगा लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूं, मैं टिका रह सकता हूं। तो अपने अंदर इस बात को उतार दो गहराई तक, जो मैं बोल रहा हूं ये आपने उतार दी तो फिर तो क्या लिमिट्स हैं आपकी यार, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो उससे रिलेटेड जैसे ही कोई ढंग की इंस्पिरेशन मिले तो मैसिव एक्शंस लेना शुरू करता हूं, मैसिव एक्शंस। उसके लिए पहला स्टेप है, आपको ये बोलना होगा अपने माइंड में, बात तो सही है, अब जब सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है तो सही को मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है, गलत है मेरी आदतें, सही है एक सोच, तो सोच को आदतों में बदलना है। आपने कहा हाँ ये बातें सही है, उसको अपनी जिंदगी में उतारा, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू हो गया आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, अब आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जितने ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे उसमें से जो आपको खुशी मिलेगी, वो जो मन को खुशी मिलती है ना छोटे छोटे प्लेजर्स के थ्रू, उससे लाख गुना बड़ी होगी। आपके अंदर एक कमी है आपको पता है और उस कमी को आप ओवरकम कर जाओ, उसमें खुशी ज्यादा मिलेगी या उस कमी के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी। आपके अंदर डर है एक सही काम करने का और उसको आप कर जाओ, क्या होगा, मजा आएगा। अब आपको मजा किसी और चीजों में आने लग गया, अभी मजा आ रहा है गलत चीजों में, अब मजा किसमें आ रहा है, छोटी छोटी सही चीजें करने में, इसमें आपको मजा आ गया तो अब आप क्या करोगे, आप बड़ी बड़ी सही चीजें करोगे। अभी क्या कर रहे हो, छोटी छोटी गलत चीजों में पहले मजा आता है, फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता है, उससे हम बोर हो जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी गलत चीजें करते हैं, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, बढ़ते ही चले जाते हैं। ये अभी हो रहा है इस दुनिया में, करना क्या है, मजा लेना है सही चीजों, सही कामों में आपको मजा आना चाहिए। गाते हैं लेकिन बाहर से गालियां पड़ रही होती हैं। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि मैं किन चीजों में अच्छा हूं या किन चीजों में अच्छी हूं, तो क्या आएगा माइंड में, दो चार चीजें आने वाली हैं, या तो सिंगिंग आ जाएगा, डांस में अच्छे हैं, हाँ आओ नाच के दिखाओ, यही है प्रॉब्लम है ना, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब हॉबीज हैं बेसिकली, और हम कहेंगे इसमें हम अच्छे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम दूसरा जो चैलेंज आने वाला है, इससे पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो जो सिंगिंग में पैसा कमाने का सोच रहे हो, आपके ऐसे लाखों लोग हैं इंडिया में, जरूरी नहीं है वो जितने भी टैलेंट शोज हैं, सो कॉल्ड टैलेंट शोज जहाँ पे सिंगिंग को जज किया जाता है, वहाँ पे क्या सिंगिंग के बेस पे आगे बढ़ते हैं या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, एक कहानी नहीं चाहिए होती है किसी दुखियारे की कहानी कि ऐसी जगह से आया है जहां पर चारों तरफ मौत ही मौत थी और वहां से भी वो जिंदा बाहर निकल करके आया है, गाना गुना क्या है वो तो सेकेंडरी है, सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, एक है पैशन एक है प्रोफेशन, तो भी चैलेंज क्या है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, अपने पैशन को डिस्कवर कैसे किया जाए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे किया जाए, हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो फंडा है ना, ये जो हम सब लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमारे अंदर सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा सबके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है नहीं घुसा है, कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को डिस्कवर करना है, उसको डिस्कवर कर लिया उसके बाद में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने भी यही किया, ये सब बकवास है। जैसे आपका एक टैलेंट हो सकता है कि हाँ मैं अपने मुंह से आग निकाल सकता हूँ, तो निकालते रहो कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, बहुत है ऐसे निकालने वाले। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, टैलेंट चाहिए, और टैलेंट मतलब क्या, या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए, अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए, वहां पर टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है, तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में, टैलेंट कुछ नहीं होता है ना, टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से,
कि अब अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है, किस में दिमाग लगाना है, इंटरेस्ट में। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा, क्या आप सीधा टीम में आ जाओगे, नेशनल टीम में आ जाओगे? नहीं आओगे, उससे क्या फायदा होगा? लेकिन एग्जैक्टली इंटरेस्ट से क्या एक बेनिफिट आपको मिलता है? सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है, सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है इंटरेस्ट, कि अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, उसके लिए जो स्किल सीखनी पड़ेगी उसको सीखने में आपको मजा आएगा।